हिंदुस्तानी में चल रहा है। आपने ये अभिनव प्रयास किया है संस्कृत में इस फिल्म को लाने का, तो इस देश की जनता ये जानती है कि संस्कृति को जानना है तो बिना संस्कृत के नहीं जान सकते। अगर आप भारत को जानना है आपको वेद जानना पड़ेगा, उपनिषद जानना पड़ेगा, आपको पुराण जानना पड़ेगा, आपके इस देश की जो अभिलेख है उसको जानना पड़ेगा। लेकिन ये जो अंग्रेज बादशाह आए मैकाले और उसके बाद भी जो लोग आए हैं उसने संस्कृत को भ्रष्ट किया और अपनी अपनी गलीज सोच उसमें डाल के हिंदू शास्त्रों को समाप्त करने की एक कोशिश की। तो मैं तो ये आशा करता हूं कि इस फिल्म के बाद फिल्म के और संस्कृत की भाषा के संबंध में कुछ लोगों की जागरूकता बढ़े और इस काम के आपको सराहनीय काम है, ये सब पूरी जनता कहेगी। लेकिन अभी जो फिल्म का टारगेट ऑडियंस है वो युवा, कहते हैं कि युवा फिल्म देखती है, युवा कौन है इस पर भी विचार अलग अलग चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आयु पे, आयु से डिपेंड होता है कि युवा कौन है। आयु से कभी युवा नहीं हो सकता, 70 साल का आदमी भी युवा हो सकता है और 20 साल का लड़का भी बूढ़ा हो सकता है।